एंटी करप्शन ब्यूरो गुड़गांव की टीम ने नारनौल सिटी थाना में कार्यरत रमेश कुमार को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नारनौल पुलिस ने कुछ ही दिन पूर्व रेवाड़ी के एक व्यक्ति को असली नोटों के बदले डबल करके नकली नोट देने के मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस रिमांड पर लिया हुआ था और इस मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिजनों ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दी थी। सिटी थाना में तैनात पुलिस कर्मचारी उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो टीम गुड़गांव ने नारनौल सिटी थाना में छापेमारी की और इस मामले में जुड़े पुलिस कर्मचारी रमेश कुमार को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम गुड़गांव से आए निरीक्षक जयपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि और उसी आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में और कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच अभी जारी है। पूरी जांच होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस पूरे मामले में नारनौल सिटी थाने से रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए पुलिस कर्मचारी रमेश कुमार का कहना है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है और उसने किसी तरह की कोई रिश्वत नहीं ली है। फिलहाल इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। साथ ही रिश्वत मामले में रमेश कुमार के अलावा कोई और पुलिस कर्मचारी भी शामिल है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। मैं निरीक्षक जयपाल सिंह ACB गुड़गांव से आज मिया की शिकायत पर नारनौल पहुंचा और थाना शहर में उप निरीक्षक रमेश कुमार को 2000 रुपए की रिश्वत लेने में तो गिरफ्तार किया। FIR दर्ज हो चुकी है, इनिशियल स्टेज पे अनुसंधान जारी है। मामला क्या था, किस मामले में गिरफ्तार किया गया, क्या शिकायत? मामला शिकायत उन पे FIR दर्ज थी उनके पिताजी के खिलाफ और वो जो है थाना में बंद थे उसके अनुसंधान के संबंध में। इनके पिताजी के खिलाफ शिकायत दर्ज थी? मेरा जो शिकायत करता है इनके पिताजी जो है थाना में बंद है। थाना से पैसा किस कारण से लिया था? 2000 ये अनुसंधान का भी विषय है, अनुसंधान जारी है। सर सुनने में आया कि 3 पुलिस कर्मियों के नाम शामिल है, अभी अनुसंधान जारी है, जब उसके बारीकी से पता लगेगा। शिकायत कितने लोगों के खिलाफ आई? शिकायत अभी FIR हुई है, बाद में पता लगेगा इसका अनुसंधान गहनता से करके उसके बाद। शिकायतकर्ता ने कितने लोगों के खिलाफ? शिकायतकर्ता ने अभी जो दी है उसको जांच की जा रही है बारीकी से। उसमें नाम कितने लोगों पे आरोप लगा? नाम बताएंगे अभी, अनुसंधान जांच करके तभी बताएंगे। एक को गिरफ्तार किया है, अभी गिरफ्तार कर रहे हैं, पूछताछ जारी है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक को तो गिरफ्तार किया है, पूछताछ गिरफ्तार डालेंगे, पूछताछ होने के बाद डालेंगे गिरफ्तारी। रमेश कुमार नाम है। किसने गिरफ्तार किया आपको? विजिलेंस ने। पोस्टिंग कहाँ रही है आपके? सिटी थाना नारनौल में। क्या आरोप क्या लगे हैं? आपने पैसे लिए किन से, मामला क्या था? वो उसमें फ्रॉड करता था, यहाँ लोगों से पैसे ले, जो लोग बैंकों से पैसा लेकर जाते थे बूढ़े बुजुर्ग, उनसे वो धोखाधड़ी से पैसे छीनता था। मैंने उसको कल पुलिस रिमांड पे लिया था। अच्छा। दो दिन के फिर ठीक है। तो आज विजिलेंस ने क्या आपसे? विजिलेंस ने, वो लड़की आई थी कहीं बातचीत करके, बाकी मैंने पैसा कोई नहीं लिया। तो आरोप तो है आपने 2000 रुपए लिया आपने? गलत आरोप है जी। पैसा दिया भी आपको? नहीं जी, कोई पैसा नहीं दिया। विजिलेंस ने जो बरामद किया है वो पैसा वो कहाँ से आया? मुझे नहीं पता था।